तो ये पूरा टैंक हमने क्लीन कर लिया। पहले कैसा था अभी देखो यार, पूरा चमक रहा है यार। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्षार थे, मैंने किया अकेले, तूने किया भाई, इसने किया। और दोस्तों ये वाला जो प्लांटेशन टैंक है ना, इसमें जो प्लांट्स हैं यार पूरे के पूरे खराब हो चुके हैं, तो हमें ये सारे प्लांट्स फेंकने नहीं यार, साइड वाले सेटअप में हम ध्रुव है ना वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। मतलब हमने जो पहले भी खराब हुए थे तो वो लगाए तो उग गए यार। सबसे पहले हम क्या करेंगे ध्रुव, ये सारे प्लांट्स है ना तू निकल यार तेरे हाथ से ना प्लांट्स ध्रुव के भाई, जो ध्रुव प्लांट्स लगाता है ना अच्छा उसका अच्छा ग्रो भी हो जाता है। ध्रुव तू बोल कि ये वाला टैंक तू नहीं क्लीन किया। मैंने नहीं किया, हम दोनों ने क्लीन किया। अच्छा तो वही आ जा भाई। मयूर ने आज बहुत ज्यादा मेहनत की, धीरे मयूरा, ये भी क्लीन मयूर ने किया और ये भी क्लीन मयूर ने किया। और ध्रुव बता रहा है कि भाई तूने किया। ध्रुव मयूर इधर देख भाई मेरे पास, तूने पहले क्लीन कर नीचे से जो टैंक रखने से पहले जो थोड़े ग्रेवल्स वगैरह क्लीन कर दिए, पूरे क्लीन किया तेरे भरोसे पे, नहीं तो भाई टैंक लीक हो जाएगा। पूरा क्लीन किया था क्योंकि ना दोस्तों मेरे पहले क्या हो जाता था, जब अभी टैंक हम रखते तो नीचे का अच्छे से हमें क्लीन करना होता है, मतलब छोटा भी ग्रेवल्स आ गया ना टैंक पूरा लीक हो सकता है, क्योंकि ये लोड आता है पानी का, और पानी का लोड आने से जो बेस होता है ना कांच का क्रैक हो जाता है। इसी की वजह से अच्छे से टैंक रखने से पहले हाँ अच्छे से क्लीन करना चाहिए। दोस्तों ये वाली जो रैक है ना ये कम्प्लीट हो गई, कलर वीडियो वगैरह, अभी सिर्फ हमें इसमें पानी भरना है, बाद में भरेंगे। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते, ये वाली जो टैंक है ना ये भी निकाल लेते, कितना खराब हो गया यार, पूरा क्षार है भाई, ये पूरे क्षार है, इसे निकालने में हमें बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। चल ध्रुव तू क्या कर, ध्रुव सबसे पहले काम होगा कि यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं सारे निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ का जो टैंक था ना ये निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है, ठीक है ना। तो हमने यार अभी पूरा प्लानिंग चेंज किया है, ठीक है, क्योंकि हम चारों लग गए भाई इस वाले टैंक में निकालने का, अभी तो उसका धुलाई चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या रखने वाले, ये वाले ऊपर वाले साइड में ये जो चारों टैंक है ना, इन चारों टैंक में हम करने वाले हमारे फाइटर फिश की ब्रीडिंग। चारों मतलब फाइव टैंक, 1, 2, 3, 4 और ये वाला 5 टैंक, पांचों टैंक में हम हमारे फाइटर फिश रखने वाले। एक टैंक में हम सारे फाइटर फिश की फीमेल्स रखेंगे और चारों टैंक में हम रखने वाले फाइटर फिश जो कि यहाँ पे रखने वाले, ठीक है। और यहाँ पे कोई बड़ा टैंक नहीं रहने वाला, क्योंकि यार ना उसको मेंटेनेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये देखो अभी यहाँ पे हमारी सारी ब्लैक सैंड थी, अभी सारी सैंड निकाल ली। तो दोस्तों ये जो 1x1 में हमने सेटअप किए थे हमारे गुरामी बेटा वगैरह, ये हम सारा रिमूव कर रहे हैं। देखो भाई अभी मैंने यहाँ से सारा निकल दिया, ये भी निकल रहे, ये भी निकल रहे, ये भी निकल रहे, और यहाँ से सारे फिश रिमूव कर देंगे। और ये पूरे प्लेन टैंक हम यहाँ से उठाकर इस वाले टैंक रैक पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा क्योंकि ये थोड़े कम, इनका वजन वगैरह कुछ नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो सबका सामान है ना सारा निकल लेंगे उधर, और यहाँ पे पूरे लाइन में हमारे फाइटर के टैंक रख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ का पूरा लेन हमारा खाली हो चुका है, और ये देखो भाई यहाँ पे रहने वाले हमारे फाइटर फिश के टैंक। तो अभी ये जो बड़ा वाला टैंक है ना इसमें हम रखने वाले हमारी छोटी वाली जो गुरामी ने क्यूट वाली वो हम रखने वाले इस वाले लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 फीट का टैंक हो जाएगा, और यहाँ पे 2 फीट का टैंक हो जाएगा, और ये जितनी जगह बचेंगे ना उस जगह पर हम कुछ अलग सा प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे टर्टल का प्लानिंग मेरा चल रहा है। तो दोस्तों हमने सारे टैंक खाली करे भाई, सारे टैंक में से हमारे पास बहुत सारे ग्रेवल्स निकले अलग अलग तरह के। ये देखो भाई ये ब्लैक वाली सैंड, ये देखो भाई कितने सारे ग्रेवल्स है हमारे पास, ये और व्हाइट वाली सैंड। तो अभी व्हाइट वाली और ब्लैक वाली सैंड अभी हमारी कुछ काम नहीं आ रही, अभी तो नहीं आने वाली, बट ग्रेवल्स हम कुछ काम में ले लेंगे। तो यार दोस्तों हम ये वाला टैंक हमारे गुरामीज को देने वाले थे, ठीक है। तो गुरामीज को ही देने वाले, सिर्फ ये कल सेट होगा, ठीक है। हम आज ही सेट करने वाले थे, बट ये इसको थोड़ा इश्यू हो गया यार, थोड़ा क्रैक हो गया हमारे से, ठीक है। आपको दिखा दो क्रैक कहाँ हुआ है यार। तो अभी हमने क्रैक तो बंद कर दिया उसका, कहाँ गया कोने में आप देख सकते हैं ये वाला जो क्रैक है यहाँ पे हुआ है, ये देखो यहाँ पे ये पूरा क्रैक हो गया यहाँ से। तो इसी की वजह से ये टैंक हमारा कल इसका पूरा सेटअप हम करने वाले हैं। दोस्तों मैंने एक प्लानिंग चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे हम हमारे पोलर पैरट के बेबीज रखने वाले थे, तो यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, और क्योंकि बहुत सारे यार 100+ बेबीज है, तो इसी की वजह से हमने सोचा कि यार यहाँ पे तो ये टैंक हमारा खाली ही रहने वाला है। और दोस्तों जो हमारा सरप्राइज आने वाला था ये 4 फीट वाले टैंक में, तो वो सरप्राइज यार कुछ 15 डेज तो लग जाएंगे यार, तब तक हमारे पोलर पैरट्स यहाँ पे आराम से रहेंगे, और यहाँ पे हम आराम से उनके लिए हाइडिंग प्लेस वगैरह प्रॉपर बनाने वाले। और जो यहाँ पे ऑस्कर हम यहाँ से उठाकर इस वाले टैंक में रखने वाले, और यहाँ पे हमारा फ्लोरन रहेगा, और यहाँ पे कलर वीडियो, यहाँ पे हमारा गुरामी का पेयर, और यहाँ पे हमारे मॉन्स्टर फिश, तो ऐसे रहने वाले। और इस वाले टैंक में हम सोचेंगे यार कुछ अलग चीज रखनी है हमें। और आपको तो पता ही यार ये टैंक में हमारे जो छोटे वाले क्यूट वाले गुरामीज हैं ये टैंक में रहने वाले, बट ये हम कल सेटअप करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे पानी भरेंगे तो फिर से लीक हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने हमारे जो न्यू वाले पोलर पैरट्स आने वाले हैं तो उनका टैंक सेटअप भी कर दिया यार, ये देखो
यहाँ पे मैंने इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो हाइडिंग प्लेस होती है ना उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि हाइडिंग प्लेस पोलर पैरट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखो भाई, पूरा हाइडिंग प्लेस के लिए मैंने बहुत सारी मटकियाँ लगा दी और कितना खूबसूरत भी लग रहा है यार। और यहाँ पे जो नेचुरल ग्रेवल्स आती है ना, तो मैंने वो यहाँ पे ऐड कर दी। और दोस्तों, हमारे जो फाइटर फिश के जो टैंक है वो हमने अच्छे से क्लीन कर लिए। देखो भाई, ये सारा हमारे काम भाई ध्रुव भाई ने किया है। हाँ भाई, मैंने किया। अच्छा अच्छा यार, तो तूने मयूर ने किया भाई ये भी, ठीक है ना? हाँ, दोनों ने मिलके किया यार। अच्छा, दोनों मिलने गए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, ये चारों टैंक में हम हमारे फाइटर फिश रखने वाले, बट कल छोड़ेंगे यार। आज हम पानी भर के छोड़ देंगे इसे, क्योंकि यार हमारा पानी ना ज़्यादा क्षार है, इसी की वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकता है अभी डालने से, क्योंकि हमारे पास तो पुराना पानी नहीं है। तो हम आज दूर क्या करेंगे, सिर्फ पानी भर देंगे और यहाँ पे कल हमारे फाइटर फिश ऐड कर देंगे। दोस्तों, हमारे जो फ्लोरम का टैंक का जो वाटर है हमने फिल कर दिया भाई। अभी हमें हमारे फ्लोरम को छोड़ना है। कब का यहाँ पे यार, कहाँ गया? पुराना वाटर भरा है, ठीक है? तो ये वाले थोड़ी बहुत गंदगी है, तो ये गंदगी हमें निकालनी होगी और फिर हमारा फ्लोरम यहाँ पे ऐड करना, मतलब साइफन करना। इसी की मदद से हम अभी पानी पूरा निकाल देंगे, पूरा मतलब 10% निकालना होगा ना नीचे से। चल करो स्टार्ट। ध्रुव अच्छे से ये देखो भाई, ये पूरा क्लीन कर रहा है, ये भी पूरी गंदगी बाहर निकाल देगा। अच्छा काम करता है यार ये तो भाई। जल्दी इसको हो गया डन। अभी हमारे जो फ्लोरम है ये अभी मैं यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने हमारी फ्लोरम यहाँ पे ऐड कर दी। वो भाई साहब, ओहो कितना क्यूट लग रहा है यार। और दोस्तों, मैं हमारे फ्लोरम के टैंक में बिल्कुल भी कुछ चीज़ नहीं डालने वाला, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आप फ्लोरम के टैंक में कुछ ना डालिए, पूरा प्लेन रखिए। तो मैंने अभी इस बार पूरा प्लेन रखा है। हाँ, और इसमें हम सिर्फ स्पॉन्ज फिल्टर ऐड करने वाले, बाकी कोई हाइडिंग प्लेस नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अभी बारी आती है हमारे जो बेबी ऑस्कर से उनकी, तो यहाँ से निकल लेते। चलो भाई, यहाँ पे पहले से हमने हीटर वगैरह ऐड कर दिया। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी ऑस्कर फिश ऐड कर दी, ये देखो भाई। और यहाँ पे मैंने ये हीटर भी ऐड कर दिया, और कुछ मैंने यहाँ पे मेडिसिन भी ऐड किए, क्योंकि इनको जो फंगस का डिसीज है फिर से आया है, तो इसी की वजह से थोड़ी इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। ओके, और इनके लिए मैंने हाइडिंग प्लेस भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। हमारी एक लास्ट वाली फिश बचती है, जो कि है छोटी वाली क्यूट वाली गुरामिज। तो मैं अभी यहाँ से उठाकर इधर मैं ऐड कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे हमारे जो गुरामिज अभी ऐड किए, तो इनके लिए हम बहुत जल्द यहाँ पे सेटअप बनाएंगे, ठीक है? तब तक हमारे जो गुरामीज है वो यहीं पे रहेंगी हमारे गोल्ड फिश के साथ, ठीक है? गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती है। देखो भाई, कोई नहीं यार, गुरामीज और भी आराम से रहेगी। अभी हम इनको फीड भी कर दे रहे हैं भाई। अभी जस्ट हमने ना गोल्ड फिश को फीडिंग की, बट वो गुरामी मजा ले रही है यार फूड का। अभी जस्ट 2 मिनट भी नहीं हुए यार, देखो कितनी कम्फर्टेबल है हमारी गुरामीज। देखो खाना खा रही है यार ये। तो दोस्तों, मैंने हमारे सारे फिश रूम में ऑक्सीजन वगैरह भी लगा दिया, ऑक्सीजन बोले तो स्पॉन्ज फिल्टर भी ऐड कर दिए। अभी हमारा सेटअप यार कुछ अलग ही दिख रहा है यार। यहाँ पे हमारे फाइटर फिश के टैंक रखे थे, तो यहाँ पे रख दिए, तो कुछ अलग ही लुक दे रहा है ये। देखो भाई, ये वाला पूरा रैक भरा भरा हुआ लग रहा है, और यहाँ पे जब लाइट आएगा ना तो और अच्छा लगेगा, ठीक है? वो कल हम लाइट लेके आएंगे जब यहाँ का सेटअप करेंगे तब। और यहाँ पे तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो अभी दोस्तों, अभी लास्ट वाला हमारा काम बचा है, जैसे कि ये वाला पूरा रूम क्लीन करना है, ठीक है? अब शाम हो गई यार, दोपहर से हम काम में लटके। दोपहर बोले तो सुबह से यार ना ध्रुव, 10:30 बजे से कुछ लगे थे भाई, तो अब भी शाम भी होने। जल्दी जल्दी हम ये निपटा देते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। दोस्तों, हमारे जो प्लांटेशन टैंक में से जो प्लांट निकले थे ध्रुव, सुनना, वो प्लांट्स भी अपन साइड वाले सेटअप में लगा देते। इतने सारे दोस्तों प्लांट्स निकले, तो अभी हम साइड वाले टेरेस पे लगा देते। चल जल्दी। चलो भाई जल्दी, टंकी भर गई ध्रुव शायद से। दिखा मेरे पास। तो ये वाले जो प्लांट्स है ना दोस्तों, हम यहाँ पे लगा देते। यहाँ पे तो ऑलरेडी लगे ध्रुव। तो ये सारे प्लांट्स इस वाले पॉन्ड में लग जाएंगे हमारे। फेंकने से अच्छा हम इसको लगा देते, क्योंकि ना यार ये पूरे के पूरे मर ही चुके हैं यार। देखो, इनसे कुछ नहीं निकल रहा है। देखो भाई, प्लांट ना पत्ता ही निकल रहा है, सिर्फ हो जाने चाहिए यार ध्रुव ऐसे ही ना। ओके, यहाँ पे पानी हमें डालना होगा ध्रुव। हाँ, कल डालेंगे भाई पानी। तो यहाँ पे दोस्तों, हमने सारे प्लांट्स लगा दिए, तो अभी इनका अपडेट हम 2-3 दिन बाद लेंगे यार। ग्रो हुए तो हुए, नहीं हुए तो यार। ये देखो यार, थोड़ी देर में सूरज
डूब जाएगा। तो चलो यार जल्दी जल्दी हम हमारा काम निपटाते हैं। ध्रुव यहाँ पे धीरे। हाँ तो फाइनली दोस्तों हमारा सारा फिश रूम क्लीन हो गया यार। ये देखो अभी भी चमक रहा है यार, ठीक है। और बाकी सारे फिश हमने सेट कर दिए। तो ये हो गया हमारा फ्लोर ऑन जो कि अभी पूरा प्लेन हो गया, स्पॉन्ज फिल्टर है सिर्फ। और ये हमारी कलर वीडियो जो कि मैंने इसमें थोड़े बहुत ड्रिप रूड ऐड कर दिए क्योंकि हमारे वन बाय वन में थोड़े बहुत ड्रिप रूड पड़े थे, तो मैंने सोचा कि यार इसमें ऐड कर दे, तो मैंने ऐड कर दिए। तो यहाँ से इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं सोच रहा था कि यार हमारा जो ड्रिप गुरामी का हम सेटअप बनाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वो ऐड कर देंगे। और ये हमारे गुरामी फिश का पैर, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। और यहाँ पे अभी ये पूरा टैंक खाली है, यहाँ पे सोचेंगे यार हमें क्या रखना है, ठीक है। और ये मॉन्स्टर भी टैंक जैसे कि वैसे है, और हमारे ऑस्कर फिश का भी टैंक जैसे कि वैसे है, ओके। ये देखो भाई, और ये हो गया हमारे पोलर पैरेट से इसमें। और जब कल हम पोलर पैरेट्स लेके आएंगे मयूर भाई के पास से, तो वो हम सारे यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ये पुराने वाले पोलर पैरेट्स भी इसमें ऐड करने वाले, बहुत सारा हेडिंग प्लेस उनके लिए मैंने रखा है। अभी सारे भाई प्रे करना यार कि हमारे ऑस्कर फिश के जो बेबीज हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। देखो ये अच्छे हो जाए यार, ठीक है ना। अभी तो छुप गए सारे के सारे, देखो स्पॉन्ज फिल्टर के पीछे। ये देखो यार मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है यार इनकी, क्योंकि यार पता नहीं कैसे इनको डिसीज हो गया। और हमारे जो सिकलेट्स है, सिकलेट्स में मैंने हमारे जो सेनेगल है वो भी ऐड कर दिए। और दोस्तों कल हमें हमारे जो फाइटर फिश के जो चार टैंक है, ये चारों टैंक में हमें एक एक फाइटर ऐड करना है। और यहाँ पे हम फाइटर फिश की ब्रीड करने वाले, ठीक है। तो चलो यार स्नो और ब्लैकी को हरी हरी घास दे देते हैं। स्नो ब्लैकी आ जाओ यार, कल हमारे स्नो और ब्लैकी का भी क्लीनिंग करना है कल से। चलो खा लो। इनके लिए मैंने हरी घास रख दी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। और आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।